वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज पर। आज हम बात करने वाले हैं रॉकिंग स्टार यश, संजय दत्त और रवीना टंडन स्टारर प्रशांत नील द्वारा डायरेक्टेड रिसेंटली रिलीज हुई पैन इंडिया फिल्म यानी कि KGF चैप्टर 2 के डे 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो फिल्म को रिलीज हुए आज 4 दिन हो चुके हैं और 3 दिन का कलेक्शन जो है वो निकल के आ चुका है और तीसरे दिन इस फिल्म ने जो कलेक्शन किया है ना, उसके बाद आज के जो कलेक्शंस आएंगे यानी कि संडे के जो कलेक्शंस आएंगे ना, इसी के साथ ये फिल्म जो है काफी सारे नए रिकॉर्ड्स को जो है वो बनाने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के हिंदी वर्जन की कलेक्शन की। तो फिल्म ने जो है अपने हिंदी वर्जन से तीसरे दिन 42.90 करोड़ का जो है नेट कलेक्शन कर लिया है और ऐसा करते हुए केवल 3 दिन के अंदर अंदर फिल्म के हिंदी वर्जन ने जो है 143.64 करोड़ का जो है यहां पर नेट कलेक्शन कर लिया है। अब बात करें यहां पर चौथे दिन की, तो सबको पता है कि अगर 3 दिन तक ये फिल्म जो है 45 प्लस स्कोर कर रही है, कलेक्शन कर रही है, तो चौथा दिन जो कि संडे है और संडे को ये फिल्म जो है सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली है। लगभग देखा जाए तो डे 1 के मुकाबले या फिर डे 1 से ज्यादा का कलेक्शन कर सकती है और अगर ये फिल्म अपने चौथे दिन 56 करोड़ का जो है कलेक्शन कर लेती है हिंदी वर्जन से, तो केवल अपने पहले वीकेंड में ही ये फिल्म जो है 200 करोड़ के आंकड़े को यहां पर पार कर लेगी। और जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, जिस तरीके का माहौल चल रहा है थिएटर्स के अंदर, उसे देखकर साफ पता चलता है कि चौथे दिन फिल्म जो है आसानी से ये टारगेट जो है वो अचीव करने वाली है। वैसे आपको इस पर कितना भरोसा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा बढ़ते हैं फिल्म के इंडिया के कलेक्शंस और वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस की तरफ, जहां पर सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के बाकी स्टेट वाइज कलेक्शंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर तेलुगु स्टेट्स की। तो फिल्म ने जो है तीसरे दिन यहां पर तेलुगु स्टेट्स यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से जो है यहां पर 10.29 करोड़ का शेयर कलेक्शन और 16 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। ऐसा करते हुए फिल्म ने केवल 3 दिन के अंदर अंदर केवल तेलुगु स्टेट से जो है 42.75 करोड़ का शेयर कलेक्शन और 68 करोड़ का जो है ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। अब बात करें यहां पे कर्नाटका की, तो यहां पर कर्नाटका में 3 दिन के अंदर अंदर इस फिल्म ने जो है 42.90 करोड़ का शेयर कलेक्शन और 72.50 करोड़ का जो है ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। तमिलनाडु और केरला में इस फिल्म का जो क्रेज है वो आज तक कभी नहीं देखा गया था। तमिलनाडु में इस फिल्म ने जो है 3 दिन के अंदर अंदर 11.42 करोड़ का शेयर कलेक्शन और 24.80 करोड़ का जो है ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। और मान के चलिए कि तमिलनाडु में ये जो फिल्म है पूरी तरह से टक्कर ले रही है तलपति विजय की फिल्म बीस्ट से, जो कि तमिलनाडु में काफी स्टेडी परफॉर्म कर रही है, तो उसके सामने ये जो कलेक्शंस हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। और अगर आप सोशल मीडिया फॉलो कर रहे होंगे तो काफी सारे एग्जिबिटर्स जो है, काफी सारे थिएटर मालिक जो है खुद इस चीज को यहां पर पोस्ट करते हुए बता रहे हैं कि शोज की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। लोग जो है सीट्स फुल होने के बाद भी एक्स्ट्रा चेयर्स वगैरह लेकर भी फिल्म देखने के लिए तैयार हैं, नीचे बैठकर भी फिल्म देखने के लिए तैयार हैं तमिलनाडु के अंदर। तो इस तरह का माहौल वहां पर चल रहा है क्योंकि वहां पर जो है बीस्ट को अभी भी काफी सारे स्क्रीन्स मिले हुए हैं। जाहिर सी बात है तलपति विजय की फिल्म है तो स्क्रीन्स तो काफी ज्यादा उनको मिलने ही थे, तो इसीलिए KGF चैप्टर 2 को लेकर जो मारामारी है तमिलनाडु के अंदर वो बहुत ही खतरनाक चल रही है। इसके अलावा बात करें यहां पे केरला की, तो केरला में तो सही में मैं पर्सनली अगर किसी स्टेट के कलेक्शन से बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हूं तो वो है केरला। मतलब केरला में तो इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। केवल 3 दिन के अंदर ही कहा जा सकता है कि उस फिल्म ने वहां पर ब्रेक इवन हासिल कर लिया है। जहां पर बात करें केरला के कलेक्शंस की, तो 3 दिन के अंदर अंदर फिल्म ने जो है केरला से 8.60 करोड़ का शेयर कलेक्शन और यहां पर 21.40 करोड़ का जो है ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। बात करें हिंदी बेल्ट की, तो हिंदी बेल्ट में हिंदी वर्जन और बाकी सभी भाषाओं को मिलाते हुए फिल्म ने 3 दिन के अंदर अंदर 74.15 करोड़ का शेयर कलेक्शन और 165 करोड़ का जो है ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। ओवरसीज की बात करें, तो ओवरसीज में इस फिल्म ने अब तक जो है यहां पर 58.50 करोड़ का जो है टोटल ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ है और ऐसा करते हुए इस फिल्म ने जो है केवल अपने 3 दिन के अंदर अंदर वर्ल्ड वाइड 410 करोड़ का जो है ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। मतलब साफ जाहिर है कि संडे को यह फिल्म जो है 500 करोड़ के आंकड़े को पार करने वाली है, वर्ल्ड वाइड 500 करोड़। और यहां पर कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो है हिंदी बेल्ट के अंदर जो है फिल्म आसानी से यहां पर 200 करोड़ के आंकड़े को पार करेगी, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जो माहौल चल रहा है ना वो गजब का है। आप सभी को बता दूं कि मुझे अभी फिल्म को एक और बार देखना था पर प्लानिंग की वजह से सेट नहीं हो पा रहा था, तो सोचा कि
संडे है तो आज जाकर देख लेते हैं। तो सुबह उठकर जब मैंने बुक करने गया टिकट, तो मुझे एक भी थिएटर ऐसा नहीं मिला कि जहां पर प्रॉपर सीट मिल सके। हर थिएटर में सिर्फ आगे की एक लाइन या फिर दो लाइन खाली पड़ी है जिसपे बैठकर मैं तो देख नहीं सकता हूं। इसलिए जो है मैं आज फिर फिल्म देख नहीं पाया। तो इसलिए क्योंकि अब आज का प्लानिंग तो फिल्म देखने का था तो वो हुआ नहीं। तो आज जो है हम आज शाम 5 बजे अपने सेकंड चैनल यानी कि वेट एंड वॉच विद सैंडी, वहां पर जो है आज हम लाइव आएंगे। यहां पर केजीएफ चैप्टर 2 के क्लाइमैक्स को लेकर आप सभी के काफी सारे सवाल आ रहे थे, काफी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो उस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो थियरीज वगैरह चल रही हैं, आपकी अगर कोई ओपिनियन है, आपकी कोई पर्सनल थियरी है, उस पर चर्चा करेंगे। तो शाम 5 बजे सेकंड चैनल वेट एंड वॉच सैंडी पर हम लाइव आ रहे हैं। और केजीएफ चैप्टर 2 तो जो है कहीं पर भी रुकने वाला है नहीं। मैं बताना चाहूंगा कि इस फिल्म के जो शोज हैं केवल साउथ में ही नहीं, इवन नॉर्थ में भी काफी सारे सेंटर्स में जो है 24/7 शोज चल रहे हैं, मतलब 24 घंटे शोज चल रहे हैं। मतलब 10 साढ़े 10 बजे लास्ट शो खत्म होता है, फिर से जो है 12 बजे से नया शो स्टार्ट होता है। यहां पर मैं अगर बताऊं तो सूरत में, गुजरात के सूरत में भी अगर आप देखोगे तो काफी ऐसे थिएटर्स हैं जो 24 घंटे जो है यहां पर शोज चला रहे हैं। तो इस तरीके का माहौल है केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर। तो देखते हैं यह फिल्म कितनी जल्दी कितने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ती है। वैसे आपने अब तक कितनी बार इस फिल्म को देख लिया, क्योंकि मैंने तो एक ही बार देखा है, दूसरी बार देखने का टिकट ही नहीं मिल रहा है। तो आपने फिल्म कितनी बार देख लिया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस यहीं तक था आज का हमारा वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।